प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदा बेन अलवर पहुंची। वो ट्रेन से अलवर जंक्शन पर उतरी, जहां पुलिस अधिकारी और रेलवे पुलिस फोर्स के अधिकारी मौजूद थे और कड़ी सुरक्षा के बीच जशोदा बेन को स्टेशन से बाहर तक लेकर आए। इसके बाद वे सीधे कार से अपना घर शालीमार के लिए रवाना हुई और जशोदा बेन अपना घर शालीमार स्थित एक परिचित के घर पहुंची। यहां कुछ देर रुकने के बाद वे कार से ही लोक देवता बाबा भर्तृधाम, पांडुपोल व धोलागढ़ मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे और दर्शन किए। उनके साथ नानक राठौड़, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारतीय तेलिक, साहू राठौड़, महासभा नई दिल्ली व अन्य लोग मौजूद थे। इससे पहले भी वे दो तीन बार अलवर आ चुकी हैं। जशोदा बेन पिछले वर्ष 7 दिसंबर को भी अलवर आई थी। उस समय भी जशोदा बेन ने अपने दैनिक कार्य को पहले महत्व दिया था। उन्होंने उस समय भी अपना घर शालीमार स्थित मंदिर में लगभग 2.5 घंटे पूजा अर्चना की थी। भारतीय तेलिक साहू राठौड़ महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नानक राठौड़ ने बताया कि जशोदा बेन उनके आवास पर पहुंची, यहां कुछ देर रुककर मंदिर में पूजा पाठ करने पहुंची। उनके साथ पुलिस सुरक्षा भी रही। जशोदा बेन के अलवर पहुंचने की खबर मिलते ही कुछ मीडियाकर्मी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। यहां उनसे पत्रकारों से उनसे बातचीत की कोशिश की, लेकिन वे पत्रकारों से बात किए बगैर ही अपना घर शालीमार के लिए रवाना हो गई। इससे पहले भी जब जशोदा बेन अलवर आई थी तो उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी थी।